गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है चेक वेदर 7+3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³+7x। चेक करके बताइए कि 7+3x दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो पॉलिनोमियल जो आपको दिया है वो पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल है 3x³+7x, और आपको ये बताना है कि 7+3x इसका फैक्टर है कि नहीं है। इसको बताने के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। इसके जीरोस की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख देंगे। अगर इसका वैल्यू जीरो के बराबर आता है, या इसका मतलब या यूँ कहें कि इसका रिमाइंडर जीरो के बराबर आ जाता है तो इसका फैक्टर है, अन्यथा फैक्टर नहीं होगा। तो आप तुरंत जो है जीरोस फाइंड करें। जीरोस ऑफ 7+3x इस क्या हो जाएगा, 7+3x इज इक्वल 0, देन 3x इज इक्वल -7, देन x इज इक्वल -7/3। और इस x की वैल्यू हम अपने पॉलिनोमियल में ये रख देंगे तो p ऑफ -7/3 इज इक्वल होगा 3 × -7/3 का होल क्यूब। और आप जानते हैं कि नेगेटिव साइन का होल क्यूब 8 पावर अगर है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव ही होगी। माइनस का निशान में लगा दिया। 7 पे पावर 3 की वैल्यू 343 और 3 पे पावर 3 की वैल्यू 27, जो कि 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार में। और आपको सॉल्व करने पर -343/9 -49/3 प्राप्त हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 9 और 3 का एलसीएम 9 हो जाएगा, और -343 -147 ये दोनों नेगेटिव साइन में है, दोनों नेगेटिव साइन ये जो है ऐड हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। तो ऐड होने पर आपको वैल्यू जो मिल रही है वो -590/9 ≠0। आप देख रहे हैं कि जीरो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो बाय फैक्टर थ्योरम इट इज नॉट फैक्टर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। आप लिख सकते हैं कि नो इट इज नॉट फैक्टर सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल देखेंगे।